सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रही 5 मैचों की वनडे सीरीज में फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम ने 1-0 से अजय बढ़त बना रखी है। आपको बता दें कि सीरीज का पहला मुकाबला 2 मार्च को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था और हैदराबाद में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले ने भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम से T20 सीरीज में मिली हार का बदला लिया और पहले ही मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को पराजित कर दिया। इससे पहले आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली गई T20 सीरीज में भारतीय टीम को दोनों ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। पहले मुकाबले में जहां भारतीय टीम 3 विकेट से हारी थी तो वहीं दूसरे मुकाबले में तो भारतीय क्रिकेट टीम को 7 विकेट के बड़े अंतर से हार मिली थी। लेकिन फिर वनडे सीरीज के पहले मुकाबले के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी अपना होमवर्क करके आए थे और इस बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ही टीम को मात दे दी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि अब इस सीरीज का दूसरा वनडे मैच नागपुर में 5 मार्च को दोपहर 1:30 बजे से विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान में खेला जाना है। लेकिन दोस्तों, दूसरा वनडे शुरू होने से पहले अब भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर भी सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि पहले वनडे मैच में भारतीय टीम के हीरो रहे महेंद्र सिंह धोनी अब शायद ही आपको दूसरे वनडे मुकाबले में खेलते हुए दिखेंगे। दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ऐसा तो महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस रिपोर्ट कह रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले मुकाबले में केवल 23 गेंदों में 40 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली थी और इसी पारी के दौरान धोनी मैदान में काफी तेज गति से दौड़ते हुए भी नजर आए थे, जिसके बाद उनकी इस तेज गति की रनिंग की तारीफ तो की गई लेकिन इससे कहीं ना कहीं धोनी को ही अब दिक्कत पैदा हो गई है। दोस्तों, T20 सीरीज के दौरान भी महेंद्र सिंह धोनी जब खेल रहे थे तब उनकी हैमस्ट्रिंग में काफी दर्द था और अब पहले वनडे मुकाबले में इतनी तेज गति से दौड़ने के बाद जब महेंद्र सिंह धोनी दूसरे वनडे के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे तब उनकी हैमस्ट्रिंग में पेन और भी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण अब यह खबर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि शायद ही महेंद्र सिंह धोनी दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनेंगे। और इसी के साथ यह खबर भी सामने आ रही है कि क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम पहला मुकाबला जीत गई है और क्योंकि धोनी की हैमस्ट्रिंग में पेन है तो उनकी जगह ऋषभ पंत को टीम में खेलने का मौका दिया जा सकता है। दोस्तों, ऋषभ पंत भारतीय टीम में शामिल जरूर है लेकिन वह पहले वनडे मैच में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे और ऐसे में अगर धोनी की फिटनेस को चयन करता ज्यादा तवज्जो देने लगे तो ऋषभ पंत को मौका जरूर दिया जाएगा। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, दूसरे वनडे मुकाबले में ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से किस खिलाड़ी को खेलना चाहिए, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।